बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस आवान, आज के नए लेक्चर के साथ आज आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। एडमिशन फॉर 2023 BZU में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसकी कुछ डिटेल मैं आपको देता हूं। बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अच्छा जी, आपके पास जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, पहले नंबर पे BS फोर ईयर प्रोग्राम्स, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एक्स्ट्राज मॉर्निंग इवनिंग क्लासेज हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में BSc ऑनर एग्रीकल्चर है, ये मॉर्निंग इवनिंग क्लास है, बाकी जो है वो सिर्फ मॉर्निंग क्लासेज है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेज, इसके एडमिशन ओपन है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, जिसमें BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशल वर्क, इसी तरीके से और मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, उसके बाद है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस, इसमें DVM है, BSc ऑनर पोल्ट्री साइंसेज है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस, फैकल्टी लॉ, BZU सब कैंपस लोधरा, इसी तरीके से विहाड़ी, इसमें भी एडमिशन ओपन है। उसके अलावा MPhil, MS, MSc ऑनर, MSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एडमिशन भी ओपन है, जिसमें वेटरनरी साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेज, इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्राम। उसके अलावा PhD प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ओपन है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर किसी ने BS प्रोग्राम फोर ईयर में अप्लाई करना हो तो उसकी लास्ट डेट है 28 जुलाई 2023, यानी कि 28 जुलाई 2023 आखिरी तारीख है। इसी तरीके से अगर आपने अप्लाई करना हो MS, MPhil और PhD में तो उसकी लास्ट डेट 25 अगस्त 2023 है। कैंडिडेट सीएंग एडमिशन इन BS फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम में अप्लाई कंटेन इन द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहता है तो वो पिछली एडवर्टाइजमेंट को देख सकता है। इसी तरीके से उसकी कुछ शरायत हैं फॉर एडमिशन LLB फाइव ईयर प्रोग्राम, अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लैड टेस्ट का होना ज़रूरी है। उसके बाद BS फैन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग टेस्ट विल कंडक्ट बाई द डिपार्टमेंटल टेस्ट विल कंडक्टेड बाई मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इनका डिपार्टमेंट खुद टेस्ट लेगा। अच्छा जी, एडमिशन के लिए मज़ीद जो है ना आपको डिटेल फर्दर मैं देता हूँ। वेट, सबसे पहले मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स को ओपन करें, उसके बाद BZU लिखें, BZU लिखने के बाद फिर आपके पास लिंक आएगा पहला बहुत ही ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास वेबसाइट ओपन होगी यूनिवर्सिटी की। इसमें हमारे पास ऑप्शन है तीन, ऑनलाइन एडमिशन 2023, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रिंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड और ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप। मैं क्लिक करता हूँ एडमिशन ओपन, ऑनलाइन एडमिशन 2023, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक मेरिट लिस्ट की है, दूसरे नंबर पे है जी क्लिक हियर फॉर एडमिशन सिस्टम, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास दो किस्म की ऑप्शन आएंगी, एक है लॉगिन की, एक है क्रिएट नेम की। अगर आपने पहले इसका अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्लिक नाउ पे क्लिक करें, उसके बाद लिस्ट होगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, BS फाइव ईयर प्रोग्राम, MPhil और PhD। क्योंकि मैं BS प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये लिस्ट ओपन होगी, इसमें
आईडी कार्ड नंबर दो, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेम, फादर नेम, मेल फीमेल, नेशनलिटी, उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, उसके बाद तहसील, पहले आप किस परिवहन से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो, जिससे उसको करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, मुस्लिम हो तो मुस्लिम पर क्लिक करें, नॉन मुस्लिम हो तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो घर का पता है वो लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखें, उसके बाद गार्डियन, गार्डियन में आपके वालिद होंगे उनका आपने मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसका शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो रेड स्टेरिक का निशान है इसका मकसद ये है कि आपने इसको फिल करना, ये चीज़ लाजिम और मलजूम है, ये लिखना लाजिम है। इसी तरीके से प्लेस ऑफ स्टडिंग, आपने हॉस्टल में रहना हो, जो करना हो, अगर आप हाफिज़ कुरान है तो ये इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड होगी, उसके बाद यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है एमरजेंसी में जिससे यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट कर सके, अपने वाले साहब का लिखें, अपने भाई का लिखें, किसी भी का नाम लिखें, उसके बाद उसका एड्रेस लिखें और इसके बाद उस बंदे का मोबाइल नंबर लिखें। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, डिग्री सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, कौन से बोर्ड से मैंने की है मैट्रिक, उसके बाद यहाँ पे ईयर है, 2012 में की, 13 में की, 15 में की, उसको लिखेंगे, यहाँ पे हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स, क्योंकि 1100 है तो यहाँ पे आप 1100 लिखेंगे, उसके बाद आपने कितने नंबर हासिल किए हैं इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद ग्रेड ए प्लस है, बी सी जो भी है उसको लिखेंगे, उसके बाद एफएससी ओनली पार्ट वन मार्क्स, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अभी सेकंड ईयर में इम्तिहान दिया है वो जस्ट फर्स्ट ईयर के नंबर लिखेंगे। यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी फॉर 2023 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ द ऑन बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट डीए सेकंड ईयर पास, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो उसने सेकंड ईयर की हो, अगर ए लेवल है तो वो कम्प्लीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट के 70% और मैट्रिक के 30% मार्क्स काउंट होंगे। यहाँ पे हम डिग्री का नाम लिखेंगे जो भी आपने की होगी, उसके बाद बोर्ड कौन से की है, कौन से साल आपने उसको एनुअल में की या सप्लीमेंट की उसको लिखेंगे, यहाँ पे आपने ईयर ऑफ पासिंग यानी कि फर्स्ट ईयर आपने कौन से ईयर में की है उसको लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे आपका फर्स्ट ईयर का, उसके बाद फर्स्ट ईयर के 505 नंबर है तो वो लिखेंगे, 525 है तो वो लिखेंगे, उसके अलावा आपने कितने नंबर हासिल किए वो लिखेंगे, डिवीजन फर्स्ट सेकंड वो लिखेंगे, उसके अलावा ग्रेड कौन सा बनता है उसे लिखेंगे, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखने हैं, मिसाल के तौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो जो भी होंगे आपने उसको लिखना है, फर्स्ट ईयर के नंबर यानी कि आपके फर्स्ट ईयर में टोटल नंबर 85 थे फिर आपने कितने हासिल किए वो लिखेंगे, इसी तरीके से केमिस्ट्री आ गई उसके पहले कितने थे वो लिखेंगे, इसी तरीके से अगर आपने ई कैट दिया है तो उसकी डिटेल करके सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि आपने अगर मेन में करना है तो मेन में करेंगे, विहाड़ी कैंपस में जिसमें अगर आपने अप्लाई करना था उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास लिस्ट आएगी कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जिस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते उस पर लिखा होगा नॉट एलिजिबल, रिक्वायर्ड डिग्री डज नॉट मैच, इसी तरीके से आपके पास ये सारी लिस्ट है जिसमें अगर आप कुछ स्पेशल कोटे पे करना चाहते हैं तो उसमें लिस्ट होगी, हर डिग्री के ऊपर लिस्ट होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे, सपोर्ट्स कोटे पे करेंगे तो इसको क्लिक करना होगा, इसी तरीके से ये हमारे पास सारे प्रोग्राम हैं। उसके बाद माय अप्लाइड प्रोग्राम में आप इसने अप्लाई किया जी LLB 5 ईयर प्रोग्राम, उसका चालान मैंने प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालने के बाद ये 3-4 किस्म के बैंक हैं, अल्फला, HBL, UBL और NBP, इनमें से आप किसी भी बैंक का चालान डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद बैंक में पे करेंगे, पे करने के बाद फिर आप अपलोड चालान के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ये चालान नंबर हो गया, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, यहाँ पे आपने कौन से बैंक का किया, जिस डेट को आपने पेमेंट की उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दे के ओके करेंगे तो आपका प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। ये है जी आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।